लखीमपुर खीरी में बंदरों के आतंक से गन्ने की फसल को बचाने के लिए किसानों ने एक अनूठा तरीका अपनाया है। ग्रामीणों ने बंदरों को डराने के लिए रीक्ष की कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया। बता दें कि बीते कुछ समय से सभी किसान फसल खराब होने से काफी परेशान थे। किसानों के अनुसार उन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई थी, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। बंदरों की ये 6 महीने से बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे किसानों की फसल बंदर नष्ट कर रहे हैं लगातार। बीच में किसान बहुत परेशान हैं, और ये जो है हम लोग वर्दी ले आए हैं वहाँ से, शाहजहाँपुर से, 4,000 रुपये की, सब लोग मिलके। मजबूरी है, हम लोगों को अपनी फसल तो बचानी है, उसके लिए हम लोग वर्दी ले आए हैं। वन विभाग को कई बार सूचित किया जा चुका है, और भी शिकायत की गई, लेकिन किसी भी आला अधिकारी के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई या कुछ भी निदान इस समस्या का नहीं किया गया। इस मामले का संज्ञान लेते हुए डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर संजय बिस्वाल ने ग्राम पंचायत को उचित निर्णय लेने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने किसी भी तरह की टेक्निकल सहायता के लिए अपना पूर्ण आश्वासन दिया। जो किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है, जो अपनी फसल को बचाना सब हर कोई चाहता है कि जो हम मेहनत करके उगाते हैं वो बचा रहे हैं, तो मैं यही आश्वासन देता रहूँगा कि जो है अपने से जितना कोशिश होगा कि बंदरों के आतंक से बच पाएँ उसका वो करेंगे, और कभी कोई कंप्लेन आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको, जैसे आतंकी बंदर है जो, वहाँ से हटाए। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि जिसे काफ़ी जगह है, थोड़े बहुत जो मोहल्ला या शहरी इलाका है, वहाँ पे लोग जो है बंदरों को या फिर बाहरी कोई भी जानवर है उनको खाना पीना खिलाते हैं, तो इससे जो है वो होता है कि जानवर जो है खाने की वो हो जाते हैं, आदि हो जाते हैं इंसान के आसपास रहने की। तो इसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि अगर कोई भी जानवर है जिसको जंगल में रहने की आदत हो जाएगी तो वहाँ रहेंगे, इसमें उनको आबादी की आदत हो जाती है। तो ये वाले व्यवहार को थोड़ा बहुत कोशिश करें, परिवर्तन करें। बंदरों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गन्ने की फसल को, जो है वो नुकसान करते हैं उसका, पकड़ के फाड़ते हैं, बीच वाला खा जाते हैं निकाल के। इसीलिए इसको लाए थे ड्रेस को, हम इसीलिए आए। मतलब नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है खेतों में आसपास कि मतलब देखने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता।